बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फेलो लर्नर्स। आज हम लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। बिफोर डूइंग दैट, लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ लेक्चर नंबर 13 व्हिच वी डिड लास्ट टाइम। उस लेक्चर में हमने आपके साथ एक स्टडी और रिपोर्ट है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन है पाकिस्तान में, उसकी आपके साथ कुछ हाईलाइट्स शेयर की। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो इस कमीशन ने बनाई है। इससे वॉच डॉग बॉडी ऑब्जेक्टिव इज और सॉर्ट ऑफ मैंडेट इज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स इन पाकिस्तान, नॉट ओनली द बैंकिंग कंज्यूमर्स बट अदर कंज्यूमर्स एज वेल। बट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट जो कि हमने आपके साथ शेयर की, और इसके और भी सेक्शंस हैं जो इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करेंगे, वो इस हवाले से थी कि जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो इश्यूज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो क्या हैं। और ये जाहिर है पर्सपेक्टिव जो था, हमने आपको बताया कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव था। और अगर इसको इन अ रिस्ट्रिक्टिव वे देखा जाए, महदूद पराए में, तो ये कहा जा सकता है कि दैट वॉज ए वन साइडेड व्यू। लेकिन हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं कि ये पर्सपेक्टिव को हमने देखना है। जब हम लर्निंग की बात करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, और ख़ास तौर पे जिसमें आम पब्लिक, कॉमन इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, तो उसमें हमने फिर सारे पर्सपेक्टिव, जिसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हैं, स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं, तो उसमें हमने सारे पर्सपेक्टिव्स को एक तरह से मद्देनज़र रखना है। उसका नतीजा ये निकलेगा कि वी वुड बी हैविंग अ सॉर्ट ऑफ वाइडर स्पेक्ट्रम टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, द इश्यूज इन्वॉल्व। तो इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स को, या कह लें कि इसमें जो इश्यूज हाईलाइट किए हैं, उसको आपके साथ शेयर करने का मकसद यही था। जैसे कि हमने आपके साथ डिस्कस किया, इसमें पहला जो इशू था जो कि कंसर्न करता है, इन अ वे इट्स इट हैज़ अल्टीमेट फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर ऑफ ए बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये कॉन्टेक्स्ट है प्राइसिंग के हवाले से, कि बैंक्स जो हैं कि वो जो उनको चार्ज करते हैं लोन्स पे रेट, और उसके अगेंस्ट जो डिपॉजिट पे पे करते हैं, उसका स्प्रेड ज़्यादा है। इसमें दोनों साइड पे बैंक को फ़ायदा होता है, और उसका अल्टीमेट जो सफ़र जो करता है वो ऑर्डिनरी कंज्यूमर करता है। तो इस चीज़ को हाईलाइट किया गया इस रिपोर्ट में। उन्होंने मुख्तलिफ कंपैरेटिव फिगर्स दी, बताया कि इन फिगर्स की कंपैरिजन से पाकिस्तान में स्प्रेड जो है, अगर पीयर ग्रुप में भी लिया जाए, कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया, हायर है। एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी बताया। तो ये जो डॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स बट इवन कंपैरेटिव टर्म्स ये फिगर्स जो हाईलाइट की गई, ये बताने का मकसद ये था कि जब उन कंट्रीज़ में लोअर स्प्रेड हो सकता है, और इन अ वे एज दे से कि वहाँ पर बेहतर कंपटीशन है, और वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं दे आर इन अ वे बेटर ऑफ देन द कंज्यूमर्स ऑफ बैंकिंग हेयर, तो वाई नॉट इन पाकिस्तान। इस हवाले से उनका एक तरह से ये इंसिस्टेंस थी कि इस स्प्रेड को कम किया जाए, ताकि इसका जो बेनिफिट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेटर प्राइसिंग शुड बी पास ऑन टू द कंज्यूमर। जब हम वेरिएबल रेट की बात करते हैं, तो उसमें यही कॉन्टेक्स्ट होता है कि विद इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ द रेट्स एंड ऑब्वियसली द इन्फ्लेशन, उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर पे आता है, उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी पे आता है। वो उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी जो कि ओरिजिनली डिटरमिन की गई थी ऑन एन एक्स रेट विच हैज़ नाउ इंक्रीज्ड, उसकी रीपेमेंट की जो इंस्टॉलमेंट है, उसकी रीपेमेंट स्केड्यूल है, वो भी इफेक्ट हो जाता है। तो ये एक कंसर्न है कंज्यूमर्स को, और उनका ख्याल है कि इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। और अगर फिक्स्ड रेट की बैंकों की तरफ से ऑफ़र भी हो, तो उसको इस तरह, इस मैकेनिज़म को, इस चॉइसेस को इस तरह फैक्टर इन किया करना चाहिए कि अल्टीमेटली दोनों साइड्स का फ़ायदा हो। उसमें ये नहीं है कि कंज्यूमर ही अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं, उसमें ज़ाहिर है बैंक्स को भी। तीसरा जो इसमें आइटम था, वो था एक जिसका डायरेक्ट बैंकों से ताल्लुक नहीं है, वो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट के हवाले से बात की गई थी। राइजिंग ट्रेंड है, उसमें ज़ाहिर है कस्टमर ने, कंज्यूमर्स ने जब इजी क्रेडिट के तहत बहुत सी चीज़ें बाई की, तो डिमांड की वजह से उनकी प्राइसेस बढ़ी, पर अनफॉर्चुनेटली अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से
वो चीज़ें होर्ड हुई, ब्लैक मार्केटिंग हुई, उसने भी इम्पैक्ट किया। तो इस कॉम्बिनेशन ने इसका जो एडवर्स इम्पैक्ट डाला वो एक आम कंज्यूमर पर डाला। तो उनका ख्याल है कि इस एरिया को, जो कि एक मैक्रो इशू है, मैक्रो इकॉनमी का इशू है, तो भी कंसर्न ऑफ कंज्यूमर शुड बी टेकन इन टू अकाउंट वाइल दोज बैंक्स हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ऑल्दो वन कैन से कि भाई उनका डायरेक्ट अमल दखल नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें अगर वो कंसिडर करेंगे और दे आर एक्टिव रिस्पॉन्सिबल मेम्बर ऑफ द इकॉनमी एंड द सोसाइटी आप कह लें, तो उनके ऊपर भी इसकी जानना, इसकी अवेयरनेस, और उस हवाले से जो भी वो कस्टमर्स को, कंज्यूमर को पास ऑन कर सकते हैं बेनिफिट्स, वो ज़रूरी है। नेक्स्ट आइटम था डिटरेशन इन सर्विसेज का, जो वॉल्यूम बढ़ा है, बैंकों पे इम्पैक्ट आया है, तो बैंकों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या कैपेसिटी है वो शायद उस वॉल्यूम को अंडरटेक करने के लिए, हैंडल करने के लिए नाकाफ़ी है, और अब कंप्लेंस का जो लेवल है बढ़ता जा रहा है। और उसमें देखा गया है कि ख़ास तौर पे जो ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो फॉलो नहीं हो रही, तो चार्जेस ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे प्रोसेसिंग का जो जिसमें टर्न अराउंड टाइम हम कहते हैं, उसमें खासा अब वक्त लग रहा है, डिलेज आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एज कम्पेयर टू बिफोर देयर इज अ लोअरिंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज। के बाद बात की गई कि इसमें जो है कि एरिया जो था उसमें बैंक्स जो हैं वो इंटिमिडेटिंग प्रैक्टिसेस करते हैं रिकवरी के लिए जाके, और उसमें हालांकि प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करते। हमने कंज्यूमर एजुकेशन की बात की कि उनका लेवल ऑफ अवेयरनेस वो नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर या कस्टमर जब एक पर्टिकुलर लोन के लिए ख़ास तौर पर जाता है तो जो उनको टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें टेक्निकल टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, तो उसका उस चीज़ को अल्टीमेटली जब बाद में उनको सॉर्ट ऑफ सरप्राइजेस मिलते हैं, तो ये भी ज़रूरत है कि बैंक्स जो हैं, जो कॉन्टैक्ट जिसको हम टच पॉइंट्स कहते हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर इस चीज़ का इंतज़ाम करें कि ट्रांसपेरेंट, प्रॉपर, क्लियर टर्म्स में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और उनकी जो एजुकेशन इन द सेंस अवेयरनेस लेवल है उसको वो बढ़ाना चाहिए। और ये ज़िम्मेदारी सिर्फ इस हद तक नहीं है कि आप कहेंगे जी कंज्यूमर पढ़ा लिखा है तो उसको खुद पता होना चाहिए, बैंकों के ऊपर भी ज़िम्मेदारी आती है तो वो इस चीज़ को प्रमोट करें। और उसके बाद जो हमने बात की थी उसमें ये चीज़ थी कि जो बैंक्स जो हैं वो डिस्क्लोजर जो देते हैं, जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर बहुत सिक्योरिटिव हैं, वो कोऑपरेटिव नहीं करते। ख़ास तौर पर इस रिपोर्ट में इसका जिक्र आया कि जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ किए गए, उनको अप्रोच किया गया, तो उन्होंने इसमें जो एक रिस्पांस दी दैट वाज नॉट वेरी इनकरेजिंग। इसमें भी ज़रूरत है कि बैंक्स जो हैं इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें। और फिर एक पॉइंट जो उसमें ये था कि चूंकि ये बैंक्स जो हैं हायर स्प्रेड की वजह से इंटरनेशनल कॉम्पटिटिवनेस को लूज़ कर रहे हैं, उनके लिए इंसेंटिव नहीं है कि वो अपनी सर्विसेज को बाहर लेके जाएं, इसमें हाई प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड होता है, इसलिए कि वो हाई, तो इसका लिंक वो पहले वाले पॉइंट से है कि हायर स्पेड को जब तक नीचे नहीं लाया जाएगा, इसके लिए मेजर्स नहीं ले जाएंगे, बैंकों के लिए इंसेंटिव नहीं होगा। उसके बाद जो हमने बात की कि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसका फ्रेमवर्क है, इनका ख्याल है इस रिपोर्ट के तहत वो इतना इफेक्टिव नहीं है। उसके अंदर जो मेजर एरियाज़ हैं जो अब सामने आ रहे हैं उनको कैप्चर नहीं किया गया, उनको हाईलाइट नहीं किया गया, उनको अटेंड नहीं किया गया, तो ज़रूरत इस चीज़ की है। जहाँ इस साथ साथ ये भी बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत एक्टिव है, प्रोएक्टिव है, और वो इस चीज़ पे बहुत कीन है कि बैंक्स एज ए होल, एज ए ऑर्गेनाइजेशंस, बैंकिंग इंडस्ट्री एज ए होल शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटिंग द ऑर्डनरी कस्टमर एंड कंज्यूमर। वो लोग इस मामले में बड़ी, उनकी ऑडिट इंस्पेक्शन जो है इन चीज़ों को, इस चीज़ में बहुत वो लोग तवज्जो देते हैं और बहुत सीरियस नोट लिया जाता है। तो बट एट द सेम टाइम देयर इज अ नीड फॉर ऑल कंसर्न पार्टीज तो एक ऐसे फोरम पे आएं जहां वो मिलके कलेक्टिवली इस इश्यूज़ को अटेंड करें, रेज करें और पॉसिबल सॉल्यूशंस लेके आएं। तो ये एक तरह से समराइज वर्जन था आखिरी लेक्चर का। आइए, जैसे हमने आपको मैं बताया था कि आज का इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक है वो कोड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग प्रैक्टिस बाय द एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर बैंक्स। ये बेसिकली यहाँ आपके साथ शेयर करने का एक मकसद ये भी है कि जब हमने पाकिस्तानी कंज्यूमर की हवाले से आपसे कुछ इश्यूज डिस्कस किए, कुछ उनके जो कंसर्न्स थे आपके साथ शेयर किए,
तो ये एक लॉजिकल सा सवाल जहन में उठता है, अच्छा दूसरे जगहों पे क्या हो रहा है। तो हमने सॉर्ट ऑफ सैंपल ये सिंगापुर का एग्ज़ाम्पल लिया है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वहाँ पर देखें कि जो वहाँ की बैंकर्स एसोसिएशन है उन्होंने इससे वॉलेंट्री सॉर्ट ऑफ एफर्ट इनिशिएटिव है कि उन्होंने एसोसिएशन ने अपने मेंबर से कहा लेट्स हैव अ कोड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग बिहेवियर, कि जो हमने अपने कस्टमर्स को जो सर्विसेज ऑफर करनी है, जो हमारी रिलेशनशिप के पैरामीटर्स होंगे वो क्या होने चाहिए, और ये इनिशिएटिव वॉलेंट्री है, इसको एम्फेसाइज करना इससे ज़रूरी है कि रेगुलेटरी नहीं है। वहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडी है मॉनेटरी एजेंसी ऑफ सिंगापुर, उसके अपने रूल्स, उसके अपने रेगुलेशंस, उनकी अपनी वो हैं, वो के मैंडेटरी हैं बैंक्स पे, जैसे हमारे यहाँ स्टेट बैंक है वो इससे हट के हैं। ये कोड उन्होंने अपने तौर पे, और विच शोज़ द इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिवनेस ऑन पार्ट ऑफ द बैंक्स इन सिंगापुर एंड देयर एसोसिएशन, वो जो कि उनका कलेक्टिव फोरम है, कि वो खुद अपने आप को इस कोड का पाबंद बनाएं जो कि अल्टीमेटली लीड टू ए बेटर सर्विस, बेटर रिलेशनशिप एंड एट द एंड जिसे कहते हैं ना कि ए साउंड इफेक्टिव प्रोडक्टिव बैंकिंग सिस्टम। तो ये एक इनिशिएटिव का बैकग्राउंड था, और उसमें उन्होंने जाहिर है वो बहुत वाजे किस्म की पैरामीटर्स, वाजे किस्म के कंपोनेंट्स डिवाइस किए, जो कि उन्होंने कहा कि जिसके तहत बैंक्स जो हैं वो अपने आप को पाबंद बनाएंगे। इसमें चार आइटम्स हैं, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अब आप देखेंगे कि एज द वर्ड सजेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। यहाँ जब आपको ये कहा गया कि ये एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव है, तो जब सारे बैंकों ने कमिट किया, मेंबर्स ने, तो वो इस कोड की पाबंदी करेंगे, इस कोड कोड के टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे अपनी डे टू डे उसमें। तो उसमें एक जो अहम एलिमेंट होता है और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, वो होता है पीयर प्रेशर का। कंपटीशन ज़रूर है आपस में, लेकिन पीयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये कोड इन अ वे सब ने कमिट किया है कि वो उसको फॉलो करेंगे, तो जो मेंबर अगर उस कोड को फॉलो नहीं कर रहा होगा तो दैट मेंबर विल बी अंडर प्रेशर फ्रॉम द अदर पीयर्स टू फॉलो दैट। तो ये बहुत अहम पीयर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है कि ऑल दो इट इज़ वॉलेंट्री बट इट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि उनको फोर्स करता है मेंबर्स को कि वो इस कोड को फॉलो करें इन लेटर एंड स्पिरिट। और जाहिर है कि जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्रॉस द बोर्ड होगी, सारे मेंबर इसको फॉलो कर रहे होंगे, तो जो कि इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही होगा कि जो बैंकर्स के दरमियान और जो कस्टमर्स के दरमियान रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है, जो इसका उसका आप कह लें कि जो उसमें आप कह लें उसका जो कंपोनेंट, जो उसकी वैल्यू है, वो तो किस हद तक एनहांस हो रही है, और बैंक कस्टमर भी फील करते हैं। और आप इसमें देखेंगे कि इन्होंने इस कोड को पब्लिश किया ओपनली, इट वाज अवेलेबल इन ऑन देयर वेबसाइट एंड ऑब्वियसली ऑल मेंबर्स, एंड दे हैव इन अ वे डायरेक्टली एड्रेस टू द कस्टमर यू करके, उन्होंने कहा जी दिस इज़ फॉर यू, एक सेंस ऑफ इंटीमेसी कह लें या सेंस ऑफ आप कह लें कि रिलेशनशिप डिवेलप करने के लिए। अब अगर आप इंडिविजुअली इस पे आएँ तो हम फेयरनेस की बात करते हैं, तो फेयरनेस से क्या मुराद ली जाती है। ऑल दो इट्स ए कॉमन थिंग, इट्स ए कॉमन द ऑब्जेक्टिव आपको हमने आपके साथ डिस्कस किए वो यही थे कि एक कॉन्फिडेंस लेवल बैंकिंग सिस्टम में डेवलप किया जाए, और जो दोनों पार्टीज़ हैं एट द एंड ऑफ द डे दे शुड फील कि देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली द इंडिविजुअल कस्टमर्स आर बींग प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर। फेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि बैंकों ने इसमें कमिट किया, और जो कि मैं समझता हूँ दूसरी जगह पर भी एक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, कि जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो उनको ऑफ़र की जा रही हैं वो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है दे आर इन अ वे नॉट ओनली बेनिफिटिंग द बैंक, दे आर फेयर और दे आर इन लाइन विद द कोड, और उसमें जो कॉमन सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं। फेयरनेस का तकाजा ये है कि दीज आर अप्लाइज अक्रॉस द बोर्ड, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।
اس میں کسی قسم کی ڈفرینسیشن نہیں ہے. وہ یہ مقصد اس کورٹ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ فیئرنیس کا ایلیمنٹ ان کے نزدیک یہی ہے کہ کسٹمر کو یہ تاثر ہو اور جب وہ اب سروسز استعمال کرے اور یہ دیکھے کہ اس کا بینک ہے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے, اس میں اس کو یہ فیلنگ نہ ہو, اس میں یہ امپریشن نہ آئے کہ وہ انفیئرنیس کا ایلیمنٹ ہے, کہ کہیں بائسز تو سیٹ ان نہیں ہو گئے, کہیں بینک پریجڈس تو نہیں ہو رہا. تو یہ جب ایک تاثر ابھرے گا اور یہ جو بینکس جو کسٹمر ہیں جب اس چیز کو دیکھیں گے کہ بینکس ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فیئرنیس کے ایلیمنٹ کو اپلائی کر رہے ہیں ساری ڈیلنگ میں, تو ظاہر ہے ان کا بینکوں میں کانفیڈینس امپروو ہوگا اور ان کی ریلیشن شپ اسٹرینتھن ہوگی. نیکسٹ آئٹم ہے ٹرانسپیرنسی. اگین دس از پارٹ آف دا کوڈ. ٹرانسپیرنسی کا کانسیپٹ ٹائم اینڈ اگین بینکنگ کی انڈسٹری میں بہت اس کی اہمیت ہے, اور اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ کسٹمر کے حوالے سے بینکوں کو چاہیے کہ وہ جو ان کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتا رہے ہیں, ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن کر رہے ہیں, اس کے اندر کوئی ہڈن ایجنڈاز نہیں ہونے چاہیے. ہم اس کو مثال پھر وہی لیتے ہیں جو بار بار جس کا تذکرہ آیا ہے, چارجز کی. دیر شوڈ بی نو ہڈن چارجز. وہ کہتے ہیں نا پرائسز کو آپ کیموفلاج نہ کریں. بات کی جاتی ہے فائن پرنٹ کی. دیر شوڈ بی نو فائن پرنٹ. یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس. آبویس چیزیں کلیئر ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. اور اس میں جو پروڈکٹس اینڈ سروسز آفر کیے جا رہے ہیں, اس کے جو فیچرز ہیں, اور الٹیمیٹلی جو کنزیومر اس کو بینیفٹس لے گا, اس کی جو امپلیکیشنز ہوں گی, اس کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ڈیسیجن لینے جا رہا ہے, جو میں ہم نے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی کہا تھا کہ دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن انفارمڈ ڈیسیجن. اس کی جو ججمنٹ ہوگی وہ کلرڈ نہیں ہونی چاہیے. اس کو جو بینکوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ میکینزم کے تحت چیزیں بتائی ہیں, اینڈ ایون موونگ فارورڈ, یہ تو بات ہم نے کی تھی ریلیشن شپ شروع ہونے سے پہلے کی, ڈیورنگ دا ریلیشن شپ اینڈ موونگ فارورڈ, ان کی ڈیلنگ میں کسی قسم کی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ایک کسٹمر فیل کرے کہ ان سے چیزیں ایک طرح سے کلیئر نہیں ہیں. اور اگر کلیئرٹی نہیں ہے تو کلیئرٹی کے لیے بینکس نے اپنے اسٹاف کو یا اپنے دوسرے چینل کو کس حد تک ایکوپ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کو ٹرانسپیرنٹی کے کانٹیکسٹ میں چیزیں بتائیں, انفارمیشن دیں اور ان کو گائیڈنس دیں. تیسرا ایلیمنٹ ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا. اکاؤنٹیبلٹی اگین از اے ویری وائڈ ٹرم, نون ٹرم, اور یہ تو آپ صرف بینکنگ میں نہیں بلکہ ہم ایز اے انڈیویجول بھی کہتے ہیں کہ وی آر اکاؤنٹیبل فار آور ایکشنز, وٹ وی ڈو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے اس چیز کو پراپرلی انسٹیٹیوشنلائز کریں اپنی پریکٹس کے اندر. دے شوڈ میک دیم سیلف اکاؤنٹیبل ٹو دیئر کسٹمر. دا پوائنٹ از کہ دا کسٹمر شوڈ نو وٹ دا بینک آر ڈوئنگ, دا رسک وچ دے آر ٹیکنگ آن بہاف آف دا کسٹمر, ٹو واٹ ایکسٹینٹ دے آر اکاؤنٹیبل. وہ کسٹمر کو یہ کمیونیکیٹ کریں, وہ یہ بتائیں کہ اس کوڈ کے تحت وہ اگر جیسے کوئی پروڈکٹ کی سروسز کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو ہے جس کے خدا نخواستہ کل کو ایڈورس کانسیکوینسز ہوتے ہیں, تو بینک شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ ٹیک دا ریسپانسبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی کا ایک کانسیپٹ تو یہ بھی ہے, بٹ بیانڈ دیٹ آن اے وائڈیم ٹرمز اکاؤنٹیبلٹی یہی شو کرتی ہے کہ بینکس ہیو آفرڈ دیم سیلف کہ دے آر اوپن ٹو سے ایون سجیشنس, اوپن ٹو ایڈریس دی کمپلینس, اینڈ ایون ٹو دا ایکسٹینٹ ٹو نو ٹو گو ڈیپر. اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کنسیڈر کرے ویزا وی دیئر ریلیشن شپ ود دیئر کسٹمر. یہ امپورٹنٹ ایریا ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی سیلف جو کہی جاتی ہے نا, ایک تو ہوتی ہے کہ جی ایکسٹرنل ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے جی بینکوں کی اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ جی ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں, ریگولیٹری باڈیز ہیں, دے آر ان اے وے ڈوئنگ دا انسپیکشن اینڈ دا آڈٹ. بٹ یہاں پر ایلیمنٹ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا. بیفور اینی ایکسٹرنل آڈٹ از ڈن, اینی ایکسٹرنل انسپیکشن از ڈن, دے آر دیم سیلف آفرنگ دیم ٹو دا کسٹمرس ٹو بی اکاؤنٹیبل. تو یہ ایک بہت ادروائز بھی ایتھیکل اسٹینڈرڈ کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ جیسچر ہے, اینڈ اٹ gives a proper and very positive signal to the customers, to the community of the customers, کہ بھائی بینک جو ہے
अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए ऑफर कर रहा है। नेक्स्ट आइटम है रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में जो बैंकिंग बिजनेस है वो बहुत अहम है, और ये कहा जाता है कि एक कस्टमर जो है टू व्हाट एक्सटेंट कंसिडर हिज हर बैंकर एज रिलायबल, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। इसमें यह है कि जो उसकी ट्रांजैक्शंस हैं उसका जो रिकॉर्ड है वो जाहिर है जिम्मेदारी है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी, तो क्या उसके जो सिस्टम्स हैं उसकी जो प्रोसेसेस हैं जो उसका अपना मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि वो कॉन्फिडेंस दे एक कस्टमर को कि जी बैंक एज ए रिलायबल सिस्टम उसके ऊपर रिलाई कर सकता है, उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होगी, उसकी इंफॉर्मेशन जो कि सेंसिटिव नेचर की ज़ाहिर होती हैं वो किसी थर्ड पार्टी के साथ जो कि अगर मैंडेटरी नहीं है लीगल नहीं है शेयर नहीं की जाएंगी। तो ये एक जो रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जो एलिमेंट है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अल्टीमेटली भी कि जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो अप टू डेट होनी चाहिए, एक कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बैंक उसको जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो एक्यूरेट है वो अप टू डेट है, ताकि वो उस पर रिलाई करते हुए अगर उसने कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि फाइनेंस के जो डिसीजन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके लिए एक ऐसा सेट ऑफ अजम्पशंस होनी चाहिए जो कि बेस्ड हो फैक्ट्स के ऊपर। और बैंक्स अगर अपने कस्टमर को रिलायबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स बीइंग करंट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट बीइंग एक्यूरेट एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट बीइंग रेलेवेंट, तो ये कहा जा सकता है कि वो बैंक रिलायबल है और कस्टमर जो है उसको अपने साथ इंट्रस्ट कर सकता है अपनी फाइनेंशियल डीलिंग के लिए। तो अब आपने इन्हें अगर नटशेल देखें, ये जो चार एलिमेंट्स थे फेयरनेस का, ट्रांसपेरेंसी का, अकाउंटेबिलिटी का और रिलायबिलिटी का, इट कॉन्स्टिट्यूट ए सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन फॉर द एक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ द बैंक। अगर आप इन चारों एलिमेंट्स को इन लेटर एंड स्पिरिट एनफोर्स कर रहे हैं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि इसका इम्पैक्ट कितना पॉजिटिव होगा, और जो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम है जो जिसमें जा रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंक जो प्लेयर्स हैं और दूसरे जो कंज्यूमर्स हैं, वो एक ऐसे हेल्दी सिस्टम का आप कह लें कि पार्ट बन जाएंगे जो कि एक अल्टीमेट गोल होता है किसी डेवलप्ड सोसाइटी का, किसी डेवलप्ड माशरे का। यहाँ जाहिर है हमने वही जो सर्विस स्टैंडर्ड्स की बात की, इसमें ज़रूरी है और इस कोड में इस चीज़ पे एम्फोसिस है कि स्टाफ को प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा, स्टाफ नॉलेज के हवाले से, स्किल्स के हवाले से, कॉम्पिटेंसी के हवाले से इस पोजीशन में होंगे कि वो अपने कस्टमर्स को जो सर्विस दें उसके अंदर एक क्वालिटी एलिमेंट हो, उसमें किसी किस्म का गैप ना हो। तो ये जो एक सर्विस स्टैंडर्ड का एक आस्पेक्ट ही है। उसके बाद जो जाहिर है दूसरे चैनल्स एंड डिलीवरी के लाइक ATM हैं या इसमें कॉल सेंटर्स हैं, वो भी जो हैं उसके अंदर सर्विस स्टैंडर्ड, जहाँ टच पॉइंट्स की हमने बात की, जहाँ डायरेक्ट ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं है, क्या वहाँ पर भी वही स्टैंडर्ड सर्विस के इन टर्म्स ऑफ जिसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ अप्रोप्रिएटनेस कहते हैं, क्या वो भी मेंटेन हो रहे हैं? इसका जाहिर है सिर्फ इस हद तक नहीं है कि एक कस्टमर ने ब्रांच में जाना है और ब्रांच में जाके उसने अगर सर्विसेज अवेल करनी है तो जो ब्रांच का स्टाफ किस हद तक है, ये अगेन इसका जो दायरा है सारे डिलीवरी चैनल्स पे है, और सर्विस स्टैंडर्ड अक्रॉस द बोर्ड और ऑल टच पॉइंट्स, हमने पहले भी आपसे शेयर किया था कि ये एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस जनरेट करता है और ये रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करता है। तो सर्विस स्टैंडर्ड्स में के और भी पैरामीटर्स हैं, वो आगे चल के हम आपके साथ ब्रीफली शेयर करेंगे। मैं बार बार इस चीज़ को आपको मेंशन करता हूँ कि आपने दूसरे कोर्सेज में इसको डिटेल से पढ़ा होगा, लेकिन जहाँ हम इसको बात करते हैं तो उसको रीएम्फसाइज करना ज़रूरी होता है कंज्यूमर बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे देखेंगे तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं उसके मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेटेड है, वो करंट है, और ख़ास तौर पे जो मॉनिटरी एजेंसी ऑफ सिंगापुर के इंटरनेट बैंकिंग के हवाले से जो रेगुलेशंस हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं, ताकि
कंज्यूमर्स को इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन हो कि उनका बैंक जो है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी मीट कर रहा है, वो उनकी ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रख रहा है, एंड दैट बैंक इज़ इन अ वे अप्रूविंग इट्सेल्फ टू बी ए रिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट सिटीज़न। अब आप इसमें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है जो हमने पहले भी जिक्र किया, वो है जब कंप्लेंट्स को रिड्रेस करने की बात है कि अगर कंप्लेंट्स कस्टमर को की जाती है, एक तो एक उसके लिए प्रॉपर यहाँ पर उन्होंने कहा इस कोड में मैकेनिज्म होना चाहिए कि कस्टमर ने कहाँ कंप्लेंट करनी है, किसको अटेंड करना है, और टर्म्स एंड कंडीशन की रिवीजन का 30 डेज नोटिस होना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में जो इस वक्त प्रॉपर जो इस वक्त प्रेवलेंट प्रैक्टिस है, हमने आपको पहले बताई थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस हैं वो जुलाई 1st और जनवरी 1st से रिवाइज होते हैं, और बैंकों के ऊपर ये एक तरह से मैंडेटरी है कि वो 7 डेज पहले इस चीज़ का कस्टमर्स को बताएं अपने वेब पेज पे जाके, नोटिस बोर्ड पे जाके। लेकिन आप यहाँ देखेंगे उन्होंने 30 डेज का टाइम यहाँ रखा है। दे वॉन्ट देयर कस्टमर्स टू बी वेल अवेयर ऑफ एनी चेंजेस 30 डेज बिफोर दैट। तो ये आप समझ लें कि इन अ वे इम्प्रूवमेंट है ऑन देयर पार्ट टू मेक देयर कस्टमर्स अवेयर ऑफ एनी पेंडिंग चेंजेस ऑलमोस्ट अ मंथ बैक। तो जो हमने आपसे जिक्र किया उसमें जो बात हो रही थी कंप्लेंट्स को रिड्रेस करने की, यहाँ भी देखिए टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है। वो कहते हैं कि अगर ये कंप्लेन लॉज होती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया हुआ है कि एक मैकेनिज्म है, प्रोसीजर है, एक सिस्टम है जिसके तहत बैंक्स रिसीव करते हैं कंप्लेंट, वो 2 दिन के अंदर रिस्पांस जानी चाहिए, विद इन 2 डेज। अगर आपने देखा होगा हमारे केस में ये चीज़ जो थी वो 14 डेज की थी। अब ये हम डायरेक्ट कंपैरिजन की बात इन अ वे नहीं कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि ये जो यहाँ पर अगर वो जो भी उन्होंने टर्न अराउंड टाइम 2 दिन का रखा है, तो दे मस्ट हैव टेकन सर्टन मेजर्स बिकॉज ऑफ विच दे आर एबल टू गिव द रिस्पॉन्स विद इन 2 डेज। तो हम क्यों नहीं अपने यहाँ 14 दिन के पीरियड को अगर 2 दिन तक नहीं ला सकते तो 14 दिन से 10 दिन 7 दिन क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद आप देखेंगे कि उसकी रिड्रेस का हमारे यहाँ 45 डेज की बात की थी कि हमने 45 डेज के अंदर उसका कोई रेजोल्यूशन या कोई चीज़ आनी, यहाँ वो बात कर रहे हैं 14 डेज की। आई मीन मे बी वन कैन से दे हैव एन वेरी एडवांस्ड MIS सिस्टम, उनके प्रोसीजर्स और उनकी जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो केटर करता है इस स्पीडियर रिस्पांस को, लेकिन पॉइंट यही है कि जब उन्होंने अपने लिए हायर स्टैंडर्ड सेट किए हैं और वो इसको किसी हद तक फॉलो भी कर रहे हैं, तो आई थिंक हमें भी इस चीज़ को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हाउ वी कैन गो अलॉन्ग ऑन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग एंड इम्प्रूव दीज रिस्पॉन्स टाइम, जो कि अल्टीमेटली एक अहम किरदार अदा करते हैं सर्विस की क्वालिटी में। याद रखिए जैसे हमने आपको पहले कहा था कि कस्टमर्स को कंप्लेन के वाले से जो रिस्पॉन्स मिलती है उसकी जो टाइमिंग्स हैं, चाहे वो बाद में उसकी कंप्लेंस इन अ वे रिजॉल्व ना भी हो, लेकिन जो टाइमिंग्स हैं उसके, दैट एक्चुअली मेक्स द डिफरेंस, रिस्पॉन्स टाइम और रेजोल्यूशन टाइम। बाज दवा ये स्पीड डिसाइसिव हो जाती है और ये एट द एंड ऑफ द डे इट मेक्स क्वाइट अ डिफरेंस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। देखिए इन्होंने इस कोड में एक और चीज़ को हाईलाइट किया है, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग्स कि वो कस्टमर जो कि लेस देन 16 ईयर्स है उनको अप्रोच नहीं करेंगे। उनके यहाँ यही कॉन्सेप्ट है कि एडल्टहुड का, कि अगर जो एज ए पर्सन इफ यू आर नॉट रीच्ड एडल्टहुड यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू टेक अ डिसीजन। तो अगर आपको वो एज ए कस्टमर अप्रोच करते हैं तो यू विल बी इन अ वे वायलेटिंग दैट आस्पेक्ट, तो वो उनका बहुत केयरफुल होता है और इसकी वायलेशन के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो दे विल मेक श्योर कि वो जो प्रमोशंस हैं या जो मार्केटिंग की अप्रोचेज हैं वो 16 साल या 16 साल से कम लोगों को नहीं की जाए। फिर ख़ास तौर पर कि जब ओवरड्राफ्ट्स हैं, लोन्स हैं और दूसरे क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं उसको जो प्रमोट किया जा रहा है, तो उसके अंदर भी मार्केटिंग का जो एंगल है उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, इट शुड बी प्लेन इनफ, इट शुड नॉट बी टू कॉम्प्लेक्स,
इट शुड नॉट बी टू कॉम्प्लिकेटेड, इट नॉट द लीगल टर्म्स के जो अगर ज़रूरत है उसकी वो भी, लेकिन एक बहुत वजाहत के साथ, क्लैरिफिकेशन के साथ उसको बताना ज़रूरी है। तो इसमें भी देखिए, उन्होंने इवन मार्केटिंग एंड प्रमोशन में भी अपने आप को बाउंड किया है कि किस हद तक वो कमिटेड है एक बेसिक स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। इससे ये चीज़ सामने आती है कि दोज बैंक्स आर सो कमिटेड टू प्रोवाइड एन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट अ बेटर सर्विस टू देयर कस्टमर, इसमें कोई एरियाज उनकी तरफ से मिस ना हो और किसी किस्म का उसके अंदर गैप ना आए। यहाँ हमने दोबारा उन्होंने कहा कि जी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात की। जैसे कि आप देखेंगे कि सर्विसेज का लेवल कितना भी अच्छा हो, सर्विस क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर टू एट टाइम्स डिवेलप सम कंप्लेंट्स। उसकी नेचर में जाए बगैर ये ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बाज़ दफ़ा कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ अगेन एम्फेसिस है कि एक सिंसियरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ और अफेक्टिवनेस के साथ इस चीज़ को एड्रेस किया जाए। तो एक ये बताने का मकसद ये है कि वो लोग इस चीज़ को कितना सीरियस लेते हैं और रिजोल्यूशन कंप्लेन की रिड्रेस को वो लाइटली नहीं लेते, और उनके नज़दीक कस्टमर रिलेशनशिप की बिल्डअप में और अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ सर्विस में ये एक अहम किरदार अदा करता है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा होगा कि ये जो कोड्स हैं इसकी क्या अहमियत है। अब ये देखें कि जब हमने सर्विस क्वालिटी की बात की तो उसका दायरा बहुत ओपन है। ये कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन इन सर्विस इंडस्ट्री, आप जानते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री में और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत वाज़े फ़र्क होता है। सर्विसेज आर इनटेंजिबल, आप प्रोडक्ट्स को तो टेंजिबल है उसकी क्वालिटी के मुताबिक, उसकी अल्टीमेट जब आप यूज़ करते हैं बहुत सी चीज़ें, लेकिन सर्विसेज चूँकि इनटेंजिबल होती हैं तो इसके वेरियस एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ मैं अगेन रिपीट करूँगा कि आपने यकीनन दूसरे कोर्स में लेकिन पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ हम मेंशन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इसके साथ रिलेट कर सकें कि जब हमने इतनी तफसील के साथ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सर्विस क्वालिटी की बात की, हमने एग्ज़ाम्पल लिया, एक सैंपल केस लिया सिंगापुर का, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स हैं वैल्यू पैकेज के वो कितने वाइड रेंजिंग एंड वाइड उनकी रीच है, और इसकी अहमियत जैसे आपके सामने है, क्वालिटी है, टाइमलीनेस है, रिलायबिलिटी है, कोऑपरेटिवनेस है और कम्युनिकेशन है, एंड विद इन दैट आप देखेंगे कुछ बहुत सारे हैं। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इन सब की अहमियत है, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम एक वाइडर व्यू लें इसको सामने रख के, विच इज़ अगेन दिस इज़ नॉट ए सॉर्ट ऑफ मॉडल कॉम्पोनेंट ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन, इट कुड बी डिफरेंट एज वेल, लेकिन ये एक इंडिकेटिव है कि अगर ये एरियाज, इट कुड बी मोर देन दैट, इसके जो सब कॉम्पोनेंट्स हैं अगर बैंक इनकी तरफ तवज्जो दे, ये जो हाईलाइट किए गए हैं अपने सर्विस स्टैंडर्ड्स में इनको बिल्ट इन करे और इंश्योर करे कि जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है उसमें इन इन सब एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखा गया है, तो आई थिंक टू ए ग्रेटर एक्सटेंट अ बैंक विल बी इन अ पोजिशन टू फॉर्म अ लेवल एट लीस्ट अ बेंचमार्क ऑफ सर्विसेज विच वन कैन से विल डिटरमिन द क्वालिटी, और फिर कंपेटिटिव हम एच की भी बात करते हैं, जहाँ सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं उसमें ये आपको और हमको मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि एक बैंक की जो इंडस्ट्री है उसमें कंपटीशन भी है। बैंकिंग इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे जो चीज़ डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि इन अ वे इट्स ए कमोडिटी बिजनेस, आप बैंक के पास जाते हैं अकाउंट खोलने के लिए, बैंक आपको चेकबुक इशू करता है, आप कैश पेमेंट लेते हैं, रिसीव करते हैं, और दूसरे सारे बैंक ये कर रहे हैं। जो चीज़ डिफरेंशिएट करती है आपको, एक बैंक आपके पास क्यों आएगा, कस्टमर क्यों आएगा आपके पास, वो है सर्विस लेवल। तो इस हवाले से जो एम्फेसिस बताया गया आपको, सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की गई, इसका मकसद यही था कि आपको इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए और मूविंग फॉरवर्ड यू बीइंग द स्टूडेंट ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग शुड बी एटलीस्ट अवेयर ऑफ द बेसिक्स ऑफ व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर ए क्वालिटी सर्विस। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए
एक टॉपिक जो इन अ वे रिलेटेड है जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं बैंकर की और कस्टमर की। ये अक्सर कहा जाता है कि बैंकर और कस्टमर की रिलेशनशिप या कोई और रिलेशनशिप, उसमें ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत अहम है, ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट लेवल नहीं होगा तो वो जाहिर है रिलेशनशिप की जो डेप्थ होगी या उसकी स्ट्रेंथ होगी वो जेपरडाइज हो सकती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम थोड़ा सा मज़ीद आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि ये सिर्फ स्टेटमेंट दे देना कि देयर शुड बी अ ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप, ऑब्वियसली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ए बैंकर एंड कस्टमर, तो व्हाट डज इट मीन, इट्स ईजियर सेड देन डन कि जी ट्रस्ट होना चाहिए, लेकिन लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट द ट्रस्ट मीन्स। ट्रस्ट का अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें तो ट्रस्ट इज़ ए वाइडर टर्म, ये एक ऐसा एलिमेंट है कि इसको हम सिर्फ ये कह दें कि ट्रस्ट है तो नाकाफ़ी होगा। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ट्रस्ट जो है वो रिलेशनशिप में एक अहम किरदार अदा करता है, और जब हम एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करते हैं तो ये और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। ट्रस्ट की यहाँ पर हम एक पर्सपेक्टिव आपको दे रहे हैं कि ट्रस्ट के तीन डिफरेंट लेवल्स कह लें या तीन डिफरेंट आप कह लें पैरामीटर्स हैं। एक है पर्सनल ट्रस्ट, और उसके बाद है एक्सपर्टीज ट्रस्ट, और उसके बाद है स्ट्रक्चरल ट्रस्ट। अब ये अगर आप देखें कि इसमें थोड़ा हमने ट्रस्ट के एलिमेंट को एक्सपैंड किया है, और जब हम एक रिलेशनशिप में के कॉन्टेक्स्ट में ट्रस्ट को देखेंगे तो ये जो एक्सपेंशन ऑफ द सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ द ट्रस्ट, इट विल मेक सम सेंस टू यू। पहला जो है वो पर्सनल ट्रस्ट है। पर्सनल ट्रस्ट ये है कि बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, और फॉर दैट मैटर आई एम बीइंग ए बैंकर यू बीइंग द कस्टमर, हमारे आपके दरमियान एक पर्सनल लेवल का ट्रस्ट हो जाना चाहिए। तो हमने कई दफ़ा जिक्र किया कि क्या मैं एज ए इंडिविजुअल, यहाँ अभी मैं बात एज ए प्रोफेशनल नहीं कर रहा, कैन आई ट्रस्ट यू पर्सनली टू द एक्सटेंट, कि जो ये जो इसमें कहते हैं कि अ फियर ऑफ अप्रोप्रिएशन नहीं है, आप जो है आपकी वैल्यूज़ आपकी जो एथिक्स कह लें वो इस तरह के हैं कि आपसे डीलिंग में मुझे किसी किस्म का खदशा नहीं है, कोई फियर नहीं है, और मैं आपको लेट डाउन नहीं करूँगा। और वर्क प्लेस में जब हम बात करते हैं तो ये पर्सनल ट्रस्ट जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब हम विद इन टीम सिचुएशन, विद इन ग्रुप सिचुएशन जब बात कर रहे होते हैं तो ये देखा गया है कि ट्रस्ट जो पर्सनल है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। पर्सनल ट्रस्ट का जो लेवल जितना हाई होगा एक टीम मेंबर्स के दरमियान, वो टीम उतनी इफ़ेक्टिव होगी, चाहे वो स्पोर्ट्स की टीम हो, चाहे वो किसी बिजनेस की टीम हो, या कोई एक बिजनेस ग्रुप हो, मेंबर्स के दरमियान आपस में पर्सनल ट्रस्ट होना चाहिए। यहाँ अगर ये कहा जाए कि भाई वो ट्रस्ट जो है हम बात कर रहे थे वो तो कस्टमर उसकी बैंकर्स की थी, लेकिन पर्सनल ट्रस्ट जो है एक तरह से फाउंडेशन है। आप इवन जब जाके किसी बैंकर के साथ ब्रांच के अंदर इंटरेक्ट करते हैं तो बियॉन्ड गोइंग टू द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज ट्रस्ट, यकीनन बहैसियत इंसान एज ए इंडिविजुअल आपका एक पर्सनल ट्रस्ट भी होता है कि ये जो इंडिविजुअल है जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसको मैं पर्सनली ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो इसको अगर आप कहें कि जी अच्छा पर्सनल ट्रस्ट को हम किस तरह सॉर्ट ऑफ डिटरमिन करते हैं, तो उसका ये है, हाई पर्सनल ट्रस्ट एग्जिस्ट व्हेन वी आंसर यस टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें यही है कि इज़ द पर्सन ऑनेस्ट एंड एथिकल, विल ही और शी विल मेक गुड ऑन हर वर्ड्स। तो ये देखें ये बड़ी बेसिक्स हैं पर्सनल ट्रस्ट की, इसमें कि वो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है आप उसको रिलाई कर सकते हैं कि वो उसको हैंडल करेगा आपके बिहाफ पे या हैंडल करेगी। पर्सनल ट्रस्ट का एक एलिमेंट है जो ये बहुत वाजे है, और ज़रूरत इस चीज़ की है कि रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए। और जब हम बैंकर कस्टमर के रिलेशनशिप बात करते हैं, ऑल दो इट विल बी लेटर ऑन एज वी विल शेयर विद यू, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द सॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज ट्रस्ट एंड स्ट्रक्चरल ट्रस्ट, लेकिन यहाँ अगर आपने पर्सनल ट्रस्ट के लेवल पे एक कॉन्फिडेंस अचीव कर लिया है तो इट विल बी ए फाउंडेशन। आपको पहले कहा गया
इन डिवेलपिंग द रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो है जब आप देखते हैं, हम बात करते हैं उसकी, ये रिलेशनशिप लेकिन नॉर्मली जो पर्सनल ट्रस्ट की होती है ये स्टैटिक नहीं होती, ये डायनामिक रहती है। और इसमें जो है जब हम यहाँ लीडर की आपने देखा होगा जिक्र आ रहा है, तो एक चीज़ की यहाँ हम वजाहत करते चलें कि हमने लीडर को या लीडरशिप को एक बहुत महदूद पराये में अक्सर देखा है। देखिए लीडरशिप बेसिकली इज़ ए प्रोसेस, इट्स नॉट ए पर्सनैलिटी। और मूविंग फॉरवर्ड इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, कल को जब आप लोग इंशाल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करके या अगर अभी भी आप प्रोफेशनली इंगेज हैं या अपनी प्रॉपर प्रोफेशन में जाएंगे प्रैक्टिकल वर्क लाइफ में, तो दे इज़ एन एरेना वेयर दिस एलिमेंट ऑफ लीडरशिप विल बी एनकाउंटर्ड बाई यू ऑन डे टू डे बेसिस, नॉट टवर्ड्स अदर्स। यू योर सेल्फ एज ए इंडिविजुअल आर इन फैक्ट इन आर लीडरशिप रोल एज इंडिविजुअली, यानी कि आप कोई टीम को लीड कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आपके पास जिम्मेदारियाँ हैं एक ग्रुप को हवाले से, किसी टीम के हवाले से, वो तो चलिए ठीक है कि आप कह सकते हैं कि ये पोजीशन जो आपको दी गई है उसमें आपकी जिम्मेदारियाँ क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं लीडरशिप। लेकिन जब हम यहाँ लीडरशिप की बात करते हैं तो इट्स ए वेरी वाइड टर्म, जैसे मैंने आपसे कहा इट्स ए प्रोसेस विच ड्राइव्स एक्चुअली ए ह्यूमन बींग टूवर्ड्स इम्प्रूविंग हिज और हर सॉर्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अदर्स एज वेल। ये बहुत आप कह लें कि ओवर आर्चिंग टर्म है, और इसके लिए आपको पता है लीडरशिप का जो लिटरेचर है, लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है, और इससे डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। यहाँ हम सिर्फ इस हवाले से आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि जब हम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, और ट्रस्ट में जो हमने पर्सनल ट्रस्ट की बात की उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक्सपर्टीज ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है। और यहाँ अब हम देखेंगे कि जो बैंकर और कस्टमर की रिलेशनशिप है उसको पर्सनल ट्रस्ट के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो एक्सपर्टीज ट्रस्ट का है। एक्सपर्टीज ट्रस्ट क्या है? इसमें यह है कि इट इज़ रिलायंस ऑन एडवाइजर्स एबिलिटी इन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया। हमारा सब्जेक्ट एरिया अगर हम ये कहें तो इस वक्त कंज्यूमर बैंकिंग है। अब कंज्यूमर बैंकिंग के हवाले से तो कस्टमर हमारे साथ डील कर रहा है, ही शुड हैव अ ट्रस्ट इन द लेवल ऑफ आवर कॉम्पिटेंसी, आवर स्किल्स, आवर नॉलेज, सो दैट वी दे कैन इन अ वे थिंक दैट वी हैव द एबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स टू प्रोवाइड देम अ क्वालिटी सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस। एक्सपर्टीज ट्रस्ट का मुजाहरा सामने आता है, बहुत एक इसकी अहम एग्जांपल है कि व्हेन वी बोर्ड अ प्लेन, अब आप एक जो हवाई जहाज़ में सवार हो रहे हैं तो आपको उस हवाई जहाज़ का जो पायलट है, वो जो उसका कॉकपिट क्रू है, उनकी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस है, एक्सपर्टीज़ का, कि वो उनके पास वो एक्सपर्टीज़ हैं, उनके पास वो स्किल्स हैं, उनके पास वो कॉम्पिटेंसी हैं कि वो आपके इस जर्नी को, आपके इस सफ़र को महफूज तरीके से अपनी डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। तो ये एक मिसाल इस चीज़ को वाजे करती है। दूसरी मिसाल अगर आप लें तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं इवन फॉर ए सिंपल मेडिकेशन कंसल्टेंसी, और इवन टू द एक्सटेंट ऑफ ए सर्जरी, आप रिलाई कर रहे हैं उस डॉक्टर के एक्सपर्टीज पे। तो अगर आपको उसकी एक्सपर्टीज पे ट्रस्ट है ही तो आप उसके पास जाएंगे, अदरवाइज आपको ज़रा सा भी ये एक्सपर्टीज पे डाउट होगा तो योर ट्रस्ट लेवल विद शुड नॉट बी टू दैट एक्सटेंट विच इट शुड बी। तो अब आप देखेंगे इन मिसालों से ट्रस्ट जो है एक्सपर्टीज उसकी क्या अहमियत है, और ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर्स इसको, वो लोग जो कंसिस्टेंटली डेमोंस्ट्रेट करते हैं उनकी एक तरह से इसमें वैल्यू आ जाती है। अगर हम मिसाल अपनी कंज्यूमर बैंकिंग की लें कि वो टीम मेंबर्स कि जो गिवन सब्जेक्ट के हवाले से, गिवन एरिया के हवाले से, अगर ऑन अ रेगुलर बेसिस इस ट्रस्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, एक्सपर्टीज के ट्रस्ट को, तो दिस विल ऐड टू दी परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिट, परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांच। तो ये एक्सपर्टीज ट्रस्ट है। अब आप देखेंगे इसकी कितनी अहमियत है। पर्सनल ट्रस्ट के बाद अगर एक्सपर्टीज ट्रस्ट ना हो
तो हमने जब शुरू में बात की थी और हमने एक सिंपल स्टेटमेंट दे दिया था कि ट्रस्ट होना चाहिए, तब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ट्रस्ट स्टार्ट होना चाहिए पर्सनल ट्रस्ट से, फिर इसको जो उसका नेक्स्ट लेवल है वो एक्सपर्टीज ट्रस्ट का है। तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि जो एक्सपर्टीज ट्रस्ट है, ऑल दो एज कम्पेयर टू पर्सनल ट्रस्ट ये नैरोड है इसका पैरामीटर्स, लेकिन दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो एक्सपर्टीज ट्रस्ट को भी जब हम देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी ओवरऑल बिल्डअप में जो ट्रस्ट का एलिमेंट है वो इसकी कितनी अहमियत है। अब हम आप कहेंगे कि हाई एक्सपर्टीज ट्रस्ट एग्जिस्ट व्हेन वी आंसर यस टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या ये शख्स अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, इसकी नॉलेज, इसके स्किल्स, इसकी कॉम्पिटेंसी, जो भी गिवन फील्ड है। अहम चीज़ है क्या ये नॉलेज अप टू डेट है, आउटडेट तो नहीं हो चुकी, इसलिए कि ये ज़रूरी है कि जब आप ऐसे प्रोफेशनल के साथ डील कर रहे हैं और आपको अगर उसके ऊपर एक्सपर्टीज ट्रस्ट है, तो सिर्फ इस हद तक नहीं है कि उसके पास एडिक्वेट एक्सपर्टीज़ है, बल्कि वो उसकी जो नॉलेज और उसकी जो स्किल्स का लेवल है वो अप टू डेट है। फिर ये कि वो जो इंफॉर्मेशन अपनी पोजीशन के हवाले से दे रहा है या दे रही है वो क्रेडिबल है या नहीं, उसका जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है, वो ऐसा तो नहीं है कि जिसका कोई आप जिसको सपोर्ट ना कर सकें। यहाँ आ गया एलिमेंट क्रेडिबिलिटी का, क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो आप जैसे देखेंगे कि ये जो एक्सपर्टीज ट्रस्ट है इसके अंदर भी किस हद तक एक आप कह लें कि इसकी मुख्तलिफ इसके जाविये हैं, मुख्तलिफ इसके पहलू हैं। फिर ये कि क्या अगर आप कह रहे हैं कि आप किसी बैंकर से जब डील कर रहे हैं ऑन फेस टू फेस बेसिस, तो इसमें ये जो उसका एक्सपर्टीज ट्रस्ट का जो लेवल है वो आपके सिचुएशन में एप्लीकेबल है या नहीं, आप कंफर्टेबल फील करते हैं या नहीं, और वो आपको जो एडवाइस ऑफर कर रहा है या कर रही है, जो रिस्क और ऑप्शन दे रही है, उसके अंदर ट्रेड ऑफ्स हैं। हमने जब आपसे बात की थी कि जब हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात की थी तो देर इज़ अ ट्रेड ऑफ, हमने रिस्क को टोटली मिनिमाइज नहीं करना, बट वी हैव टू ऑप्टिमाइज द ट्रेड ऑफ बिटवीन द डाउन साइड एंड द रिस्क एंड द रिटर्न। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एक्सपर्टीज के हवाले से हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो जिससे हम एज ए अगर बैंकर डील कर रहे हैं तो वो हमें किस लेवल का ट्रस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चरल ट्रस्ट पे। ये आप कह लें कि पर्सनल ट्रस्ट के बाद और एक्सपर्टीज ट्रस्ट के बाद ये एक और लेवल है स्ट्रक्चरल ट्रस्ट का। इसका थोड़ा सा आप कह लें कि दायरा कार जो है वो बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन है, बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स। इसमें ये है कि हाई स्ट्रक्चरल ट्रस्ट जो होता है वो एक लीडर को, एक डिसीजन मेकर को मुख्तलिफ चैनल्स प्रोवाइड करता है। ये जो हाई ट्रस्ट है वो जो स्ट्रक्चरल है वो एक उसको एक वाइडर पर्सपेक्टिव देता है। और इसमें देखा गया है कि अगर एक जो लीडर है जिसके पास जिम्मेदारियाँ हैं, उसने पर्सनल लेवल पे एक्सपर्टीज लेवल पे जो ट्रस्ट के पैरामीटर्स हैं उसको पूरी तरह से समझा है, अवेयर किया है, अप्लाई किया है, तो जब लेकिन स्ट्रक्चरल ट्रस्ट में दैट पर्टिकुलर लीडर हैज़ टू गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें ये होता है कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी से एडवाइस लेते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो एडवाइस बाइस्ड हो सकती है, उसमें प्रेजुडिसेस आ सकते हैं और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल ट्रस्ट है वो इट गोज़ बियॉन्ड, उसमें जो आउटसाइडर है जो आपको वो एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट देता है, उसके अंदर आपको ये एक तरह से कम्फर्ट होता है कि उसके अंदर बायसेस नहीं होंगे, वो इट विल नॉट बी हैविंग टिंटेड फ्रॉम देयर व्यूज़। क्योंकि आप विद इन इन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि जब आप कल्चर का एक हिस्सा बन जाते हैं तो उसके अंदर फिर जाहिर है कि आपके व्यूज़ किसी हद तक बाइस्ड हो जाते हैं। आप कितनी भी अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश करें तो वो बाज़ दफ़ा नहीं होता। तो जो स्ट्रक्चरल ट्रस्ट में एक्सटर्नैलिटी का एलिमेंट आ जाता है, और ये देखा गया है कि बहुत से जो अफेक्टिव लीडर्स हैं दे गो बियॉन्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज एंड दे ट्रस्ट दोज पीपल्स विच ऑब्वियसली नॉट पार्ट ऑफ देयर टीम, लेकिन उनकी जो आप कह लें कि एक्सपर्टीज लेवल है या उनका व्यूज़ हैं, जो ओपिनियंस हैं,
वो मैटर करते हैं आपको डिसीजन मेकिंग में। लेकिन यहाँ ये चीज़ वजाहत के साथ भी है कि एक्सटर्नैलिटी जो है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके इस ट्रस्ट लेवल को हाईलाइट कर सके। उसके बाद जो एडवाइज़र्स हैं वो लीडर्स को एक ऐसा रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं जो एक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ में नहीं होती। अब अगर आप देखेंगे ट्रस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, जो वाइडर कॉन्टेक्स्ट हमने आपके साथ शेयर किया, ये एक आर्टिकल है जियोग्राफी ऑफ ट्रस्ट। ज़ाहिर है इसका जो ऑथर है शी इज़ अ वेरी एक्सपर्ट इन हर फील्ड, उसने ये लिखा है, उसने बहुत डिटेल्ड स्टडीज़ करके और उसकी जो सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि जो उसका प्रोफेशन था वो लोगों को कंसल्ट करना, लीडरशिप को कंसल्ट करना, एंड शी वर्क इन मैनी अदर कंट्रीज एज वेल। तो उसने आप कह लें कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इस जियोग्राफी ऑफ ट्रस्ट को हाईलाइट किया है। ये तीन जो उसने एलिमेंट्स बताए हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए, इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा हो गया होगा कि जब हम बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में ट्रस्ट की बात करते हैं तो इट्स ए मल्टी डायमेंशनल आस्पेक्ट, इट्स नॉट सो सिंपल एज वी कैन से कि अच्छा जी ट्रस्ट लेवल है और ट्रस्ट को इसमें आपने मेंटेन करना है। अगर हम इन तीन एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखेंगे और हम ये देखेंगे कि लेवल ऑफ पर्सनल ट्रस्ट, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज ट्रस्ट और लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रस्ट एक बैलेंस फॉर्म में आपके पास है, इसकी अवेलेबिलिटी है, तो इट मे इन अ वे गिव यू अ सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस कि जो अल्टीमेट रिलेशनशिप डेवलप होगी, जिसमें अब हमने अगर जिक्र किया बार बार सिंगापुर की बैंकर्स एसोसिएशन का और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर आप देखेंगे कि ये ट्रस्ट लेवल है हाईलाइट हो जाता है। इसके बाद हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होगा वो हम दोबारा कुछ रिस्क मैनेजमेंट की तरफ आएंगे। अगेन दिस इज़ अ सब्जेक्ट विच हैज़ बीन डिटेल्ड कवर्ड इन सम अदर कोर्सेज, बट वी विल ट्राई टू टच इट टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट इज़ एप्लीकेबल हेयर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। और हम इसमें कुछ रिस्क मैनेजमेंट के वो चीज़ें, वो आइडियाज़ कह लें या वो पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करेंगे जो आप अपने रेगुलर रिस्क मैनेजमेंट के कोर्स में, जो कि एक डिटेल्ड होगा, उसमें आप इंशाल्लाह पढ़ने जाएंगे। तो टिल सच टाइम, अल्लाह हाफिज़।